सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा आने वाला था, किनका किनका रिजेक्ट हो गया है और क्यों रिजेक्ट हुआ है। इस वीडियो में सारा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसी भी ब्राउज़र को आपको अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से गूगल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से PMAYG आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा, तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं FTO ट्रांजैक्शन समरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ से मैं होम पे आपको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे होम पे आपको क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आवास सॉफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। यहाँ पे FMS रिपोर्ट पे आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 7वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 7वां नंबर यहाँ जो दिखा गया है, यहाँ जो 7वां नंबर है पेमेंट रिजेक्ट बाय बैंक, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में चेक कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चेक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप जहाँ से हो जहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको ब्लॉक आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो यहाँ से ब्लॉक में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से कैप्चा कोड इंटर कर देता हूँ। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ अपडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपडेट पर क्लिक कर दिया हूँ। अपडेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है ये सारा पेंडिंग में है, ये रिजेक्ट हो गया है, सारा ये रिजेक्ट हो चुका है। तो इसका लिस्ट मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ PDF में। एक्सेल में डाउनलोड करना चाहेंगे तो एक्सेल में, PDF में डाउनलोड करना चाहें तो PDF में। तो चलिए मैं PDF में डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ डाउनलोड हो चुका है, तो डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जिनका जिनका रिजेक्ट हुआ है सारा यहाँ लिस्ट आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी सारा कुछ शो हो रहा होगा, नाम भी शो हो रहा होगा जिनका जिनका रिजेक्ट हुआ, क्या कारण से रिजेक्ट हुआ है, जो भी मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्ट रीजन, यहाँ लिखा गया है रिजेक्ट रीजन यानी नो सर्च अकाउंट। दूसरा है अकाउंट ब्लॉकेड फॉर, तीसरा अकाउंट ब्लॉकेड, अकाउंट क्लोज, इनवायलेट अकाउंट नंबर, इनवायलेट अकाउंट नंबर, अकाउंट क्लोज, अकाउंट ब्लॉकेड, यानी देख सकते हैं किस कारण से हुआ है रिजेक्ट। तो आई होप गाइज ये मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।